हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का क्या मतलब होता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन की होगी अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में और टैबलेट में। ये सारे मोड में आपने अपनी वेबसाइट को ओपन किया होगा। तो यहाँ पे जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, यानी अगर उस वेबसाइट को आप उसी सेम वेबसाइट को आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं और उसी सेम वेबसाइट को आप अपने टैबलेट या फ़ोन पे देख रहे हैं, पर आपको वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं है, कहीं अलाइनमेंट जा रहा है, कहीं पे टेक्स्ट जा रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है आपकी। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होती है जो अकॉर्डिंग टू फ़ोन और डिवाइसेस एडजस्ट कर ले अपने आप को। यानी यहाँ पे अगर आपके लैपटॉप में ऐसा कुछ वेबसाइट दिख रहा है तो फ़ोन में आपका ऐसा कुछ वेबसाइट दिखे। तो यहाँ पे हम अगर देखें वीबली के अंदर, हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो कैसे दिख रही है इस वक्त। तो जैसे कि मैंने इसको स्क्रॉल डाउन करके पूरा हम नीचे तक देख लेते हैं इस वेबसाइट को। तो यहाँ पे नीचे फुटर है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो आइकन है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर का एक आइकन दिख रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन जो है शो होंगे यहाँ पे, एक तो है डेस्कटॉप और दूसरा है मोबाइल। अगर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है हमारे पास वो डेस्कटॉप व्यू रहता है। आपको क्या करना है, जैसे आप मोबाइल व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसा ये जो वेबसाइट है अपलोड होने के बाद और पब्लिश होने के बाद आपको फ़ोन पे कैसी दिखेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट को। तो यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल फीचर मिल जाता है वीबली के अंदर कि हम बिना वेबसाइट को पब्लिश करें और बिना उसको इंटरनेट पर पब्लिश किए, यहाँ पे हम पहले से ही पता लगा लेते हैं कि हमारी वेबसाइट फ़ोन में कैसे दिखेगी और डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगी, अदर डिवाइसेस में कैसे दिखेगी। यानी तो मतलब हम रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ से हम अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए वीबली जो सॉफ्टवेयर है या प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, वो आपको एक अनेबल करती है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेसिक टर्म्स के बारे में, जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ हम देखेंगे इसमें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।